जो आजादी के 75 साल बाद जो शहीदों ने सपना देखा था, कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं, किसान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, हमारे सरपंच जो गांव के मुखिया वो सड़कों पर है, वो व्यवस्था नहीं बन पाई जो शहीदों ने कल्पना की। देखिए, जो 23 मार्च का आयोजन है नई अनाज मंडी गोहाना का, ये अब की बार शहीदी दिवस में एक विशाल आयोजन होगा। विशाल इसलिए इस दृष्टिकोण से होगा क्योंकि जो इतिहास में आज तक काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम आज तक जो नहीं हुआ, उस काम को पूरा करने के लिए हम समाज के बल पर, समाज के सहयोग से, जो हुसैनीवाड़ा में पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पंजाब में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और उनकी माता विद्यावती कौर का जो समाधि स्थल है, उसके ऊपर हम हर घर से दो दो चम्मच घी मांग रहे हैं और उस दो दो चम्मच घी को गुहाना में इकट्ठा किया जाएगा। गांव के लोग गांव में इकट्ठा करके दो दो चम्मच घी गुहाना लेकर पहुंचेंगे। सैकड़ों गांव का घी उस दिन यहां पे पहुंचेगा और उस घी से हुसैनीवाड़ा उस घी को लेकर जाएंगे। उस देसी घी से सबके सहयोग से जो इकट्ठा होगा उससे हम जो ज्योति है वहां जलाने का काम करेंगे। इसलिए ये आयोजन विशाल है। दूसरा, जो आजादी के 75 साल बाद जो शहीदों ने सपना देखा था, कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं, किसान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, हमारे सरपंच जो गांव के मुखिया वो सड़कों पर है, वो व्यवस्था नहीं बन पाई जो शहीदों ने कल्पना की थी। उस व्यवस्था का भारत बने जिस व्यवस्था की कल्पना शहीदों ने की थी, उस दिशा में सब देश प्रदेश के नौजवान मिलके उस वो व्यवस्था बनाने के लिए, जो शहीदों ने सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए एक संकल्पबद्ध होंगे 23 तारीख को। यहाँ पर तमाम गांव के, हजारों गांव के लोग जुटने वाले हैं और इसके साथ साथ जैसा आपने पूछा हमारे से कौन कौन पहुंचेंगे, हमें सबको सामूहिक निमंत्रण दिए हैं इस नेक काम में, इस शहीदी दिवस में, इस भले के काम में। कोई भी एक मुख्य अतिथि किसी को हमने नहीं बनाया है, इसमें मुख्य अतिथि है जनता, गांव के लोग। और आपके माध्यम से मैं बताऊं कि ये जिन कुछ गांव में हम पहुंचे हैं और जिन गांव में नहीं पहुंच पाए हैं, जिस जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस समस्त जनता का इनविटेशन आपकी वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। ये इनविटेशन समस्त जनता का है, सारी देश की जनता का है और देश की जनता से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में आहुति डालने घी लेकर आप लोग जरूर पहुंचे। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें जैसा मैंने बताया, जो शहीदों का सपना कहीं ना कहीं अधूरा है, जो शहीदों की विचारधारा थी, भगत सिंह की जो विचारधारा थी, जैसा देश वो बनाना चाहते थे, उसके ऊपर एक बड़ी जनसभा होगी, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके साथ साथ जो उनके सम्मान में देसी घी से जोत जलनी चाहिए, उसके लिए समाज के दम पर, किसी सरकार के दम पर नहीं, जनता सरकार मोर्चा सबके साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा कर रहा है कि वहां पे हम ऐसी व्यवस्था कर सके कि हमारे शहीदों पे देसी घी की जोत जले उनके सम्मान में।